फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ग्राउंड फ्लोर का प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने बेडरूम 1, उसके ड्रेसिंग रूम और उसके टॉयलेट के बारे में डिस्कस किया था। एक्चुअली इस प्लान में तीनों फ्लोर पे टोटल 4 बेडरूम है और चारों बेडरूम ही एक जैसे हैं, सभी में सेम पॉइंट्स हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये किचन एरिया और डाइनिंग रूम एरिया के बारे में, और साथ ही साथ ये यूटिलिटी रूम को भी कवर करेंगे। तो आइए इसको जूम करके पहले देखते हैं। ये आपने देख सकते हैं, हमने जूम कर दिया। तो दोस्तों, ये है डाइनिंग रूम एरिया जो कि है 15 फुट 6 इंच इंटू 13 फुट का, और उसके बगल में ये देख सकते हैं ये है किचन एरिया जो कि है 10 फुट 6 इंच इंटू 12 फुट 4 इंच का, और इसके बगल में ये यूटिलिटी रूम है जो कि है 5 फुट इंटू 10 फुट 6 इंच का। तो अब इसको समझते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल रखा हुआ है जहाँ पे पूरी फैमिली बैठ करके खाना खाती है, और इसके ऊपर में एक ट्यूब लाइट है, सेंटर में फैन का पॉइंट है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये बेल का पॉइंट है। यहाँ पे एक स्विच सॉकेट दिया हुआ है 5 एम्पियर का, और यहाँ पे देख सकते हैं एक बगल में एक स्विच दिया हुआ है जो कि इस लाइट को कंट्रोल करता है। यहाँ पे बेसिन लगा हुआ है हाथ धोने के लिए, उसके ऊपर में ये एक लाइट है। खाना खा के लोग यहाँ पे हाथ धोते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक स्प्लिट एसी है जिसके लिए एक सर्किट आया हुआ है। ये बोर्ड में मेन सर्किट आता है और वहाँ से इसका ऑफ वायर आता है। इसके पिछले वीडियो में हमने डिटेल्स में आपको दिखाया है एनिमेशन के थ्रू, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो जा करके देख सकते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एसी का और लाइट्स का और पावर का वायरिंग किया गया है। और यहाँ से पॉइंट जा रहा है बाहर में एक लाइट पॉइंट को। ये जो एरिया है ये बाहर का सीट आउट एरिया है, नीचे गार्डन, ये सब गार्डन एरिया है। यहाँ पे लोग बैठ करके शाम को गपशप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लाइट पॉइंट दिया गया है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे मेन सर्किट आ रहा है, यहाँ पे एक स्विच सॉकेट है 5 एम्पियर का, ये फैन का रेगुलेटर है। तो जूम करते हैं, जूम करके देखने से समझ में आएगा। तो ये यहाँ पे एक मेन बोर्ड है और यहाँ से आपको ये सारे सर्किट से आ रहे हैं। यहाँ पे एक लाइट पॉइंट है, इसका भी सर्किट यहीं से है, और बाकी इस बोर्ड से, इस बोर्ड को लूप किया गया है, और यहाँ से एक लाइट पॉइंट का सर्किट है। यहाँ से एक फैन का ऑफ वायर आ रहा है, यहाँ से एसी का ऑफ वायर आ रहा है, यहीं से इस लाइट का भी ऑफ वायर आ रहा है, और यहाँ से बाहर के लाइट के लिए भी ऑफ वायर आ रहा है। तो ये है आपका डाइनिंग एरिया का पॉइंट्स। अभी हम लोग आते हैं किचन में। ऑल राइट, तो अब हम लोग किचन में आकर के देखते हैं। ये किचन का मेन बोर्ड है जिसका लूप जो है डाइनिंग के इस मेन बोर्ड से यहाँ तक आया हुआ है, और यहाँ से सारे ऑफ वायर जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक लाइट पॉइंट है, यहाँ पे इसका एक ऑफ वायर आया हुआ है, यहाँ एक लाइट पॉइंट है, इसका ऑफ वायर आया हुआ है, ये फैन बीच में लगा हुआ है, इसका एक ऑफ वायर आया हुआ है, ये बीच में एक ट्यूबलाइट लगा हुआ है सीलिंग में, उसका एक ऑफ वायर आया हुआ है, ये और ये वॉल से बाहर एक लाइट है, उसका एक ऑफ वायर यहीं से गया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से सर्किट्स आ रहे हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखने के लिए जा रहे हैं। ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं, ये 16 एम्पियर का स्विच सॉकेट है जो कि पावर के लिए यूज़ किया जाता है। आप सिंबल्स वाले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो ये आपको पावर के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे, थोड़ा इसको जूम कर रहे हैं। ये एक फ्रिज का पावर सॉकेट है जो कि डीबी से डायरेक्ट यहाँ तक आना है, यहाँ पे फ्रिज के लिए। जब हम लोग एसएलडी के ऊपर में डिस्कस करेंगे तो उस समय में आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये डायरेक्ट डीबी से यहाँ तक फ्रिज के लिए एक सर्किट आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक गीज़र लगना है और डिशवाशर लगना है। तो डिशवाशर के लिए एक सर्किट जो है डायरेक्ट डीबी से आ रहा है, और गीज़र के लिए एक सर्किट डायरेक्ट डीबी से आ रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक बेसिन का सिंबल दिया गया है, यहाँ पे हाथ वगैरह धोते हैं, और यहाँ पे गीजर भी लगना है किचन के लिए। और देख सकते हैं ये एक ब्लू कलर वाला जो स्विच है वो गीजर के लिए है, गीजर के लिए यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है। यहाँ पे इसका सॉकेट लगना है, स्विच यहाँ लगना है, सॉकेट यहाँ लगना है। और ये एक स्विच है जो दो लाइट पॉइंट के लिए, एक इस लाइट पॉइंट के लिए और एक इस लाइट, क्योंकि यूटिलिटी रूम में इंटर करने से पहले हम लोग यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो यूटिलिटी रूम का लाइट ऑन हो जाएगा। और अंदर में देख सकते हैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगना है, वॉशिंग मशीन के लिए एक
16 एम्पियर का स्विच सॉकेट है जो कि डायरेक्ट टीवी से यहाँ तक सर्किट आना है। एक बगल में यहाँ पे डिश वाशर के लिए स्विच सॉकेट है जो कि डायरेक्ट टीवी से यहाँ तक आना है। अभी यहाँ आते हैं, ये एक एक्वा गार्ड का स्विच सॉकेट है जो कि इसी बोर्ड से यहाँ तक लूप हो जाना है क्योंकि ये 5 एम्पियर का स्विच सॉकेट है। आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का है जो वो 16 एम्पियर का है और ये जो मैरून कलर का है वो 5 एम्पियर का स्विच सॉकेट है। और ये देख सकते हैं ये दो स्विच सॉकेट है 6 मॉडल के बॉक्स में, ये ग्राइंडर और माइक्रो ओवन के लिए, GRI मतलब ग्राइंडर, MO मतलब माइक्रो ओवन, उसके लिए ये स्विच सॉकेट है। और ये देख सकते हैं ये 5 एम्पियर का स्विच सॉकेट दिया गया है मिक्सी के लिए, यहाँ से यहाँ लूप कर देंगे मिक्सी के लिए। अच्छा अभी यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ देखते हैं यहाँ पे चिमनी और HOB लगा हुआ है, तो चिमनी के लिए एक सॉकेट है केवल 5 एम्पियर का और एक HOB के लिए सॉकेट है 5 एम्पियर का। यहाँ पे केवल सॉकेट है, इसका स्विच का कंट्रोल यहाँ से है, यहाँ से आपको ये स्विच HOB के लिए आएगा और यहाँ से एक स्विच चिमनी के लिए आएगा और एक स्विच HOB के लिए आएगा और यहाँ से एक स्विच ये एग्जस्ट फैन है, एग्जस्ट फैन के लिए आएगा। तो यहाँ पे HOB, चिमनी और एग्जस्ट फैन, इसका 3 स्विच लगना है यहाँ पे। यहीं से एग्जस्ट फैन का भी ऑफ वायर आएगा, यहीं से चिमनी का भी ऑफ वायर आएगा और यहीं से HOB के लिए ऑफ वायर आएगा और इस स्विच बोर्ड को इस स्विच बोर्ड से या इस स्विच बोर्ड से लूप कर देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 16 एम्पियर का स्विच सॉकेट है जो कि फॉर अदर यूजेस, मतलब कि दूसरे किसी वर्क के लिए इसको यूज किया जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं ये किचन का ड्राइंग है। अभी देखते हैं ये जो लाइट लगा हुआ है, अभी ये देख सकते हैं ये जो लाइट लगा हुआ है यहाँ पे वॉल से 3 फुट 7 इंचेस पे लगा हुआ है और ये जो फैन है यहाँ ये लाइट से 2 फीट 7 इंचेस पे लगा हुआ है। इसी तरह से देख सकते हैं ये जो स्विच बोर्ड है ये 1 फुट 1 इंच छोड़ करके दरवाजे से, ये जो इंट्रेंस है मेन इंट्रेंस है, दरवाजे से 1 फुट 1 इंच छोड़ करके ये स्विच बोर्ड दिया गया है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं 7 इंची पे 7 इंचेस पे ये डिशवाशर का जो है पॉइंट दिया गया है और वहाँ से 1 फुट 1 इंची पे गीजर का पॉइंट और स्विच का पॉइंट दिया गया है। वहाँ से 1 फुट 11 इंचेस पे ये लाइट का पॉइंट है और यहाँ से 3 फुट 8 इंची पे ये फिर रेफ्रिजरेटर का पॉइंट है। और इधर अब आते हैं, अभी ये लाइट पॉइंट देख सकते हैं ये बीम से 1 फुट 11 इंची पे ये लाइट पॉइंट दिया गया है और ये जो मिक्सी है और ये जो मिक्सी का पॉइंट है ये 8 इंची पे दिया गया है और यहाँ से 1 फुट 11 इंची पे ये स्विच सॉकेट का पॉइंट दिया गया है और यहाँ से 1 फुट 9 इंच पे ये एक्वा गार्ड का पॉइंट दिया गया है। और ये सारे बोर्ड्स जो है किस हाइट पे दिए गए हैं इसका नीचे में लिस्ट दिया गया है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे हाइट के बारे में। अभी ये वॉल से कितने डिस्टेंस पे है ये हमने अभी इसके ऊपर में दिखाया है। और ये जो चिमनी और HOV का पॉइंट देना है ये देख सकते हैं ये बीम से 3 फुट पे HOV का पॉइंट है और यहाँ से 3 फुट 9 इंची पे चिमनी का पॉइंट है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे एक खिड़की है, खिड़की के सेंटर में एक एग्जस्ट फैन दिया हुआ है और ये जो स्विच का पॉइंट है ये बीम से 10 इंची छोड़ करके दिया गया है और ये जो स्विच सॉकेट का पॉइंट है ये बीम से 9 इंची पे दिया गया है। और यहाँ पे एक देख सकते हैं ये जो ये तो लाइट पॉइंट है, यहाँ पे जो सीट आउट एरिया है नीचे का, यहाँ पे एक 16 एम्पियर का स्विच सॉकेट का पॉइंट दिया गया है जो कि डायरेक्ट DB से आना है, मतलब कि ये जितने सारे ब्लू में पॉइंट्स दिए गए हैं ये पावर के पॉइंट्स है जो कि डायरेक्ट DB से आने हैं। और ये जो मैरून कलर का स्विच सॉकेट दिया गया है ये 5 एम्पियर का पॉइंट जो कि डायरेक्ट बोर्ड से हम लोग लूप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो एक लाइक करते हुए जाइए और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लोग इसी प्रकार के वीडियोस आप लोग के सामने लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।